राउरकेला स्टील प्लांट रो जूनियर मैनेजर को आत्महत्या मृतक हले जय फरवेशिया गतकाली राति रे सेक्टर 2 स्थित H3 रे रहतिबा घरे से आत्महत्या करिसेंति संध्या रे ऑफिस रो फेरिथिले एवं राति रे घरे के नथिबा बेले फैन रे बेडशीट देई आत्महत्या करिसेंति ते पुलिस पहुंची मृतदेह जब्त करबा सह व्यवच्छेद पई IGH को पठाइथिले परवेश को परिवार लोके 3 दिन तळे सेमानक पैतृक घर राजस्थान को जाइछंती तेबे जे परवेश काही के आत्महत्या कले तार सटीक कारण जणा पडिनी तेबे पारिवारिक समस्या कारण रु से जीवन हारिथिबा कुहा जाउची परिवार लोके राउरकेला रे पहुंचबा परे मृतदेह सेमानक हस्तांतर करा जीवो एने अधिक सूचना देबा पई हम सहित फोन लाइन ने जुडी छंती हम प्रतिनिधि अशोक दास अशोक वर्तमान सुधा किछि कारण स्पष्ट होई छि कि एई आत्महत्या रो देखंतु नळिन जेहेतु परिवार लोक तांकर राउरकेलार नाहंती एवं 3 दिन तळे तांग परिवार लोके जाइछन तांग पैतृक गांव जो छि राजस्थान जाइछन्ति एवं जे कि आत्महत्या कछि जय परवेश से एका थिले घरे एवं गतकाली से ड्यूटी रु फेरिथिले एवं परवर्ती समय रे आत्महत्या करिवार खबर जतर सकल आसला घटनास्थल रे पुलिस पहुंचला सब जबत कला एवं सब व्यवच्छेद पठाइ दैछि IGH को किंतु जेहेतु परिवार लोक नाहंती तेणु करी सब को सब गृह रखा जाइछि परिवार लोक को खबर दिया जाइछि आसला परे सब व्यवच्छेद हबो किंतु प्रथम जहां प्राथमिक तदंत पुलिस कहुछि जे 1.5 वर्ष तले विवाह करिथिले फरवेश एवं कोन काहीकि आत्महत्या कले ता जदि स्पष्ट होइ पर नै किंतु पारिवारिक परिस्थिति एवं तदंतरु प्राथमिक तदंतरु एया जणा पड़िछि जे पारिवारिक कलह को नै आत्महत्या करथिबे बोली अनुमान करा जाउछि किंतु स्पष्ट करि नै पुलिस नै अशोक स्टील प्लांट रो जूनियर मैनेजर रहितिले से तो एभळी क्षेत्र रे स्टील प्लांट रो कोनोसी कर्मचारी को सहित आपनकर आलोचना होइछि कि ए प्रसंग रे से किछि प्रतिक्रिया रखुछन्ति कि होय तो आउ कोनोसी कारण रहिथाइ पारे देखंतु जेहेतु वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचले जिते खबर पाइले से जेहेतु कर्मचारी आत्महत्या करटनास्थल पहुंचले पुलिस पहुंचला आम किसी अधिकारी सहित कथबार्ता करी से गोटे कथा कहते 1.5 वर्ष तले विवाह करते फरवेश बेले बेले पारिवारिक कलह लग रहे और पारिवारिक अशांति लगे कि स्पष्ट जब करूना कई कि अनुमान कराऊ पारिवारिक कलह जो आत्महत्यार कारण होते बोले अनुमान कर स्पष्ट किए कर ही चित्र स्पष्ट हो जे प्रकृत रे आत्महत्यार कारण कौन।